हेलो गाइस, वेलकम टू बबली ब्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग रोल करी, वो भी ढाबा स्टाइल में। चलो देखिए कैसे बनाते हैं। और हम तीन तीन अंडे का ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट बनाने के बाद हम इसको रोल करेंगे। अब मैं अंडा तोड़ रही हूँ। मैं अंडे को अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, बिल्कुल व्हाइट हो जाना अंडा फेंट के। थोड़ा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। अब इसको फेंटेंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। पेपर पाउडर, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ। अंडा डाल रही हूँ मैं इसमें। गैस मैंने सिम कर दिया है, हाई फ्लेम पे करने से ऑमलेट जल जाएगा। ऐसा हमें अंडे को रोल करना है धीरे धीरे। एग रोल बना दिया है, अब हम इसको काटते हैं। एग रोल हमने बना लिया है, अब मैं उसकी सब्जी बनाने के लिए जा रही हूँ। दो स्पून मैंने ऑयल डाला है। जीरा डालती हूँ, तेज पत्ता, छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, दो लौंग, चार दो इलायची, चार लौंग डालती हूँ इसमें। चार प्याज लिए हैं मैंने, छह अंडे लिए हैं और चार हरी मिर्च लिए हैं मैंने। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन।
अब डाल देंगे हम इमली का जूस। इमली का जूस डालने से एग रोल करने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है, ये देखिए तेल ऊपर आ गया, इसका तेल ऊपर आ गया है। मैंने गर्म पानी किया हुआ था और इस सब्जी में गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। थोड़े दूर दूर डालती हूँ, दो मिनट के बाद मैं इस सब्जी को उतार लेती हूँ, बन जाएगी। एग रोल करी बनके हमारे तैयार हैं। आपको पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।